Started fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's probably left in a wasted planet. I thought I had it all together, but I'm waking up sad. You don't need to show your faded love anymore to them. Beauty spark and city light when you stay tonight. There's the sparkles from my bleeding heart. I don't think it's so hard. Break it so hard. Break it so hard. Break it so hard. It's so hard. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's probably left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when you stay tonight? There's the sparkles from my beating heart. Why do you think so hard? हेलो दोस्तों, हम लोग अभी जो मंदिर से जो है यहाँ मंदिर आए थे, अष्टभुजा मंदिर। यहाँ से हम लोग जो है यहाँ पीछे की साइड आए कि थोड़ा सा जो है यहाँ पत्थर वगैरह है, यहाँ घूमते हैं। और भाई यहाँ बैठे थे हम लोग, और यहाँ बैठे बैठे अचानक पता नहीं क्या हुआ, दिमाग में कुछ आया। मैंने कहा चलो कुछ तूफानी करते हैं। और हम लोग जो है भाई, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ से नीचे उतरा और मैं मतलब मुझे जो सीनरी मिला है ना वो एकदम अलग है। यहाँ देखिए, यहाँ से जो है नीचे उतरिए और यहाँ थोड़ा बच के उतरना पड़ रहा है, चारों तरफ कांटे हैं। और ये मैं वहाँ ऊपर से आ रहा हूँ, वहाँ वो उधर ऊपर से एकदम आ रहा हूँ। यहाँ हमने बैग रखा और ये मेरे रंजन भैया हैं और वो भैया हैं रंजन के दोस्त। और हम लोग जो है तूफानी करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही तूफानी कर रहे हैं, क्योंकि अभी भैया जहाँ खड़े हैं वहाँ से नीचे एकदम खाई है और बहुत गहरी खाई है। आप लोग नीचे देख सकते हैं, बहुत तगड़े वाला एकदम, पैर फिसला तो काम खत्म, खलास।
रंजन भाई एकदम पूरे जोश के साथ बैठे हुए हैं कि अब कूद जाएंगे यहाँ से नीचे, और फिर हम इन लोगों के मतलब हम लोग इनके कपड़े उठा के ले जाएंगे घर पे, देंगे कि रंजन भैया कूद गए, अजगर निकल गया। हाँ, और अजगर निकल गया तो रंजन भैया जो है अपने आप को समर्पित कर देंगे, हम लोगों को भागने का मौका देंगे, या भी कुछ बोलेंगे इधर देख के। इन्होंने गाली बिल्कुल नहीं दी है। वैसे यार वाकई में यहाँ का जो व्यू है ना, ये पॉइंट से जो व्यू आ रहा है ना वो तगड़ा एकदम। और मुझे पता नहीं है एक्चुअली, मैंने नीचे वहाँ पे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैमरा वहाँ पॉइंट करके, वहाँ यहाँ यहाँ पे मैंने जो है ये वाले पॉइंट पे मैंने देखा 3-4 लोग थे नीचे, और हम लोग नीचे नीचे उतरते जा रहे हैं। और ये भैया जो है नीचे नीचे करके एकदम नीचे चले गए, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एकदम नीचे चला जाऊँ उनके पास। यार ये लोकेशन बहुत जो है ना बहुत रिस्की है, अगर ज़रा सा भी पैर फिसला तो काम खत्म। हाँ यहाँ पे जो है ना यार रिस्क बहुत है, और नीचे एकदम तगड़ी वाली खाई है, मैंने अभी बताया था नीचे यहाँ से जो है यहाँ से एकदम खाई है। यहाँ जब बारिश का मौसम होता है तो झरना गिरता है नीचे, ये झरना होता है बारिश के मौसम में। और यहाँ का जो सीन है ना, मतलब यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो हमारे रंजन भाई ऊपर बैठे हुए हैं। यार यहाँ का जो सीन है ना, ये सीन एकदम अनएक्सपेक्टेड था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ऐसा सीन मतलब यहाँ मिलेगा। लोग यहाँ आके वापस चले जाते होंगे दर्शन करके। हाँ यार ये सीन बहुत जबरदस्त है, और भाई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये जगह है ना यार इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज का दिन मेरा इतना स्पेशल होने वाला है। और मेरे पास कुछ ऐसा स्पेशल माइक नहीं है, ऐसा कोई सेटअप नहीं है व्लॉगिंग करने का, तो इसलिए मैं जो है नॉर्मल व्लॉग कर रहा हूँ। और यार देखो नॉइज़ वगैरह के लिए जो है मैं माफ़ी मांगता हूँ, नॉइज़ कैंसिलेशन की कोई मेरे पास कोई ऐसा गैजेट नहीं है जिससे नॉइज़ कैंसिलेशन हो। ये देख लीजिए शक्तिपीठ अष्टभुजा अतिथि गृह में आगमन पर राज धन्यवाद राजेश कुमार वर्मा।
और वहाँ पे पता है एक्चुअली वो पुलिस वाले अंकल जी जो थे उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया भैया व्लॉग कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बड़ी प्यारी स्माइल दी उन्होंने और बड़ा अच्छा लगता है यार जब कोई थोड़ा सा किसी बात पर रिएक्ट करता है और स्माइल के साथ रिएक्ट करता है ना, तो पता बहुत अलग सा सुकून मिलता है। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग यार एक्चुअली रात में मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, रिकॉर्ड एक्चुअली रीज़न ये था ना कि हम लोग बहुत थक गए थे, बहुत ट्रैवल कर लिया, फिर उधर पहाड़ चढ़ लिया, थोड़ा सा बहुत थकान थी, घर आए सीधे सो गए, सुबह उठे हैं जल्दी जल्दी, एक्चुअली जल्दी जल्दी क्या 9 बजे उठे हैं सो के, और उठने के बाद ऐसे सडनली मतलब टाइम पर ध्यान नहीं था, जल्दी उठे नहाए धोए फिर निकल आए, और थोड़ी यार दूर मतलब काफ़ी दूरी थी। अभी हम लोग बाबा विश्वनाथ मंदिर आए बीएचयू में, अभी आप लोगों को दर्शन कराता हूँ।